दोस्तों मैं हूं शफीक और स्वागत है आपका ऐप स्टोर हिंदी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि वह ये है कि आप परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जिसके मदद से आप आसानी के साथ कोई भी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप कोई दुकान पे गए और वहाँ पे एक जो है कि पेन खरीदते हैं, उस पेन का जो कीमत है, उस पेन का जो दाम है वो है समझ लीजिए 1000 रुपये, और उस दुकान वाले उस पेन पे 2% डिस्काउंट दे रहा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 2% डिस्काउंट देने के बाद हमको उस पेन का दाम कितना देना होगा, कितना रुपये देना होगा 2% डिस्काउंट करने के बाद उस दुकानदार को। तो इस ऐप की मदद से आप आसानी के साथ कोई भी डिस्काउंट अमाउंट को कहीं पे भी कुछ खरीदते हैं, समझ लीजिए कहीं 10,000 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मोबाइल ही खरीद रहे हैं, अगर उस पे 3% डिस्काउंट है तो आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं कि 10,000 में 3% डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपये बचेगा जो हमको उस मोबाइल के लिए पे करना है। इसी तरह से समझ लीजिए आप अगर 3 लोग मिल करके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें से एक ऑनर है और 2 इन्वेस्टर हैं, और एक ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और दूसरे ने जो है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, और 5,000 वाले से 2% कुल जो कमाई होगी इनकम की 2% देने का तय हुआ है, और 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट किया है उसको 4% देने का तय हुआ है। तो जब भी आपकी मंथली कमाई हो जाए, उसमें से समझ लिए एक महीने का 1,00,000 रुपये कमाई हुआ, उसमें से आप ये निकाल सकते हैं कि 1,00,000 का 2% कितना होता है जो आपको 5,000 वाले इन्वेस्टर को देना है, और 1,00,000 का 4% कितना होता है जो कि आपको जो है कि 10,000 रुपये इन्वेस्टर को 10,000 रुपये वाले इन्वेस्टर को देना है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। और तीसरा काम यह है कि आप किसी भी अमाउंट में परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। समझ लीजिए आप 1,000 रुपये में 2% जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, और 500 में 2% जोड़ेंगे तो वो कितना होगा 2% जोड़ने के बाद, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और एक एक करके तीनों चीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन काम करता है और कैसे हम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल पे ये एप्लीकेशन है, परसेंटेज का निशान बना हुआ इसमें। तो इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइड करने के, कि अगर आप लोग कोई अमाउंट को डिवाइड करना चाहते हैं यानी उसका कमीशन निकालना चाहते हैं, समझ लीजिए हमको कमीशन निकालना है 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 यहाँ पे आपको ऊपर में परसेंटेज देना है, पहले कितना परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हमको 7% निकालना है, उसके बाद नीचे आपको अमाउंट डालना है कि कितने अमाउंट कितना जो है कि रुपये होगा उसका आपको 7% निकालना है। उसके बाद आपको इस कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है, तो 1,000 का 7% आपको यहाँ पे नीचे इक्वल में बराबर में दिखाई देगा। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप 4% निकालना चाहते हैं, 4% और जो अमाउंट रहेगा वो 1500 रहेगा, तो आप जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैलकुलेट होके आ जाएंगे कि 1500 का 4% कितना होता है। तो इस तरह से आप अगर 3 लोग जो कोई काम करते हैं तो अगर डिवाइड करना चाहते हैं, किसी को 2% देना है, किसी को 4%, तो इस तरह से आप यहाँ पे आप 1,00,000 रुपये डाल करके भी 2% 4% निकाल सकते हैं, उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। या किसी को कमीशन देना हो कि 1,000 का 2% कमीशन देना हो तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। समझिए मैं यहाँ पे 1,000 डालता हूँ, ये 1,000 डाल दिया मैंने, और उसके बाद 2% को किसी को कमीशन देना है तो मैं यहाँ पे 20 रुपये आपको 1,000 रुपये में कमीशन देना होगा। अब हम दूसरे जो कि परसेंटेज इंक्रीज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डालना होगा, जैसे मैं डालता हूँ 1500, ठीक है। और इसमें कितना परसेंटेज आपको
जोड़ना है तो मुझे 2% और जोड़ना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1530 जो है रिज़ल्ट आता है। अब मैं एक चीज़ और आपको करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे 3500 डालता हूँ अमाउंट में, तो मैंने 3500 डाला। उसके बाद यहाँ पे हमको जो अमाउंट परसेंटेज जोड़ना है 5% जोड़ना है, तो 3500 का आप देख सकते हैं 3675 रुपये हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी अमाउंट में परसेंटेज इनक्रीज़ कर सकते हैं, परसेंटेज जोड़ सकते हैं। तो तीसरे जो है कि परसेंटेज डिस्काउंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम क्लिक किया। उसके बाद समझ लिए आपको कोई चीज़ खरीद रहे हैं जिसका रेट है 1000 रुपये, ठीक है, और उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 2% का। तो अब आपको ये तय करना है कि हमको उस जो चीज़ खरीद रहे हैं, कलम खरीद रहे हैं, तो उसका हमको 2% डिस्काउंट के बाद देना कितना है। तो यहाँ पे आपको नीचे रिजल्ट में आ जाएगा 980 रुपये देना होगा आपको 2% डिस्काउंट देने के बाद। और इसी तरह से समझ लीजिए कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं जिसका रेट है 1800 रुपये और उसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आप जब कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1710 रुपये देना होगा। 1800 रुपये का चीज़ है, 5% डिस्काउंट के बाद 1710 रुपये आपको देना होगा डिस्काउंट देने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आप कितनी आसानी के साथ ये तीनों काम इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन के बटन को ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन हमारी मिस ना करें। तो देखते रहिए, सुनते रहिए ASH को।